नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं इस समय फेसबुक पेज पर लाइव हूं और कुछ बड़ी खबरें हैं। उत्तर प्रदेश को लेकर सबसे बड़ा अपडेट है कि 31 जनवरी तक रैली पर रोक लगा दी गई है, धरना प्रदर्शन पर रोक है और रैली पर रोक है। डोर टू डोर नेता प्रचार कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 5 समर्थकों के साथ, लेकिन अमित शाह को इससे छूट है। आज कहां केशव प्रसाद मौर्य को जनता ने दौरा दिया, खासकर महिलाएं बहुत नाराज थी जो कि डिप्टी सीएम है बीजेपी के। लेकिन ये सब खबरें टीवी अखबार पर आपको नहीं दिखेगा। योगी जी कैसे झंडा फहरा रहे थे वो हमने दिखाया। तो क्या लग रहा है आप लोगों को कि क्या बीजेपी की रैली में भीड़ नहीं जुट रही है, इसीलिए चुनाव आयोग ने इस तरह के नियम बना दिए कि आप रैली ही नहीं कर सकते हैं, धरना प्रचार ही नहीं कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इससे बुरी हालत थी तब बिहार में चुनाव प्रचार हुआ था। आज कैराना में अमित शाह ने डोर टू डोर प्रचार किया, वहां हजारों की संख्या में भीड़ थी। क्या उन पर FIR दर्ज होगा, क्या उनका उन पर केस दर्ज होगा, तो ये वो तमाम सवाल है। टीवी अखबार आपको लगातार देखिए, अगर सोशल मीडिया से कैंपेन होता है, जैसे EVM से वोट होता है तो कांग्रेस बीजेपी को फायदा है, सोशल मीडिया से चुनाव होता है तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को फायदा होगा, क्योंकि उसके पास लाखों की IT सेल है, हजारों लाखों अकाउंट उसके पास वेरीफाइड है, सोशल मीडिया पर तमाम प्लेटफॉर्म है, और सबसे बड़ी बात है टीवी अखबार उनके पास है। कोई कह रहा है गोरखपुर की बताओ, भैया थोड़ा भक्त कम बनो, बहुजन समाज से मैं अपील कर रहा हूं, भक्त मत बनिए किसी नेता, किसी पार्टी या शंभू का भी। जो सही बात, सटीक बात और सच बात बोले ना, उसके पीछे रहिए। गोरखपुर से अपडेट है कि चंद्रशेखर रावण जनरल सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं योगी के खिलाफ, देखते हैं क्या होता है। लेकिन चंद्रशेखर रावण के समर्थन में लोग सोशल मीडिया पर लगातार लिख रहे हैं, तो चलिए थोड़ा थोड़ा तस्वीरें भी आपको दिखा दे रहा हूं मैं, क्योंकि तस्वीरें सब कुछ बयां करती हैं। तो आज की सबसे बड़ी खबर तो यह है कि अभी 31 जनवरी तक चुनावी रैलियों पर रोक है, डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हैं सिर्फ 5 लोगों के साथ। तो क्या यह इसलिए किया गया है कि बीजेपी की रैलियों में भीड़ नहीं जुट रही है, चुनाव आयोग बीजेपी के साथ बना हुआ है, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। और दूसरी बड़ी बात, ये देखिए किस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य को दौड़ाया गया है, ये देखिए, ये है, ये वो वीडियो है, सिराथू की वीडियो है ये, और यह सिराथू का वीडियो है जो केशव प्रसाद मौर्य को लोग घेर रहे हैं। दूसरी बड़ी अपडेट है, बामन मिश्राम और ओवैसी की पार्टी का गठबंधन हो गया है, जिसको गठबंधन हुआ है आज ही। तो क्या लग रहा है आप लोगों को, बसपा अलग लड़ेगी, सपा अलग लड़ेगी, बामन मिश्राम ओवैसी एक साथ लड़ेंगे, रावण अलग लड़ेंगे, तो फायदा किसका होगा? और क्या जनता ने कुछ तय कर लिया है किसके पक्ष में जनता जाएगी? मेरे कहने से तो जनता जाएगी नहीं, हम लोग तो अवेयर कर रहे हैं समाज को उनके हक अधिकार के लिए। आप लोगों को क्या लगता है, ये देखिए बावन सलाम के गठबंधन पर क्या कहते हो, तो अब मतलब चलिए बहुजन समाज में जागरूकता हो गया। मैं फिर कह रहा हूं SC ST OBC माइनॉरिटी को ठीक वैसे ही सोचना चाहिए जैसे सवर्ण सोचते हैं। सवर्णों की बहुत सारी पार्टियां चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस भी लड़ रही है, जनता दल यूनाइटेड तो खैर नीतीश जी की है, शिवसेना भी लड़ सकती है, बीजेपी भी लड़ रही है, लेकिन सवर्ण समाज किसको वोट कर रहा है? इसी तरह से SC ST OBC माइनॉरिटी को तय करके देखना चाहिए कि कौन कहां से जीतने वाला है, और जीतने वाले उम्मीदवार को ही वोट देने चाहिए। ये मेरी निजी राय है, आप लोग की क्या राय है वो बताइए। और मैं किसी पार्टी का नहीं हूं, किसी भक्त नहीं हूं किसी पार्टी का। और ये देखिए अमित शाह की रैली में किस तरह की भीड़ जुट रही है, देखिए डोर टू डोर कैंपेन था, 5 लोग की अनुमति थी और हजारों की संख्या में। क्या अमित शाह पर केस होगा या सिर्फ और सिर्फ SC ST OBC माइनॉरिटी के नेताओं पर ही केस होगा? DSP सुप्रीमो ने आज एक नारा दिया है कि बसपा पर हर बूथ पर जीतेगी बसपा, तो सोशल मीडिया पर हो सकता है वो हाल, अभी मेरी आज उनके प्रवक्ता से बात हो रही थी धर्मवीर चौधरी से, हो सकता है सोशल मीडिया पर वो
अपना प्रचार प्रसार शुरू कर दे, रैली वर्चुअल शुरू कर दे। 52 मिश्राम की वर्चुअल रैली शुरू हो रही है, आप एमएन टीवी पर भी देख सकते हैं उनकी रैली, आप 52 मिश्राम के फेसबुक पेज पर भी जाके देख सकते हैं, नेशनल दस्तक पर भी हम उनकी रैली लगाते हैं। अखिलेश यादव लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस और वर्चुअल रैली कर रहे हैं, वो सब आगे पेज पर जाके देख सकते हैं, नेशनल दस्तक पर भी देख सकते हैं। तो मैं सब कुछ ईमानदारी से बताता रहता हूं। बीएसपी की मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने तो सतीश चंद्र मिश्रा के पेज पर आपको जाना होगा। चंद्रशेखर रावण के लिए, चंद्रशेखर रावण का भीम आर्मी के नाम से भी एक पेज है, 5-6 लाख सब्सक्राइबर है, तो वो भी पेज है। तो सोचिए आप, सोशल मीडिया से ही प्रचार है। सोशल मीडिया में क्या एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के नेता बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और क्या लग रहा है आपको कि जनता ने कुछ तय कर लिया है? और ये तमाम बड़ी खबरें थी जो मैं आपके लिए लेकर आया था, लेकिन मीडिया के प्रति जो है बहुजन समाज का गुस्सा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। आज एक विधायक है सुभाषपा के, ओपी राजभर का, उन्होंने जी न्यूज के एक पत्रकार को साफ साफ बेनकाब कर दिया। और ये देखिए, ये देखिए, ये जो मोहतरमा एंकर है, मैंने इनको बहुत करीब से देखा है, मैं जी मीडिया ग्रुप में नौकरी करता था। तो सोचिए ये सब के सब, आप कुछ भी कर लें, आपके साथ नहीं आने वाले हैं, सही बोलना तो दूर की बात है। तो टीवी और अखबार पर भरोसा मत कीजिए, टीवी अखबार के ही ट्विटर फेसबुक भी सोशल मीडिया पर मोबाइल पर भी है। आपको एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के, अगर आपको अखिलेश यादव के समर्थक है, मायावती जी के समर्थक है, या 52 मिश्राम के समर्थक है, या फिर रावण के समर्थक है, आप सब लोग नेशनल दस्तक पर आके अपना अपना कंटेंट देख सकते हैं। मेरी कोशिश है कि जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की जो पार्टियां हैं उनका भी कंटेंट लगाया जाए, जिनको टीवी अखबार इग्नोर करता है। आप लोगों को क्या लग रहा है, जनता इस बार किसके पक्ष में जाएगी? वोट का बिखराव मुझे लगता है चंद्रशेखर, 52 मिश्राम और सबको गठबंधन हो जाए। तो मेरी नेशनल दस्तक की कोशिश है कि जितने बहुजन नेता है, जितनी बहुजन पार्टियां हैं, सबकी हम रैली दिखाएं। भैया हमें मत गाली दो, हम किसी के न साथ हैं न किसी के खिलाफ हैं, हम इस देश के बहुजनों के खिलाफ हैं, संविधान के साथ, हम इस देश के बहुजनों के साथ हैं, माफ कीजिएगा, संविधान के साथ हैं, संवैधानिक दायरे में, और ईमानदारी से पत्रकारिता करना चाहते हैं। जहां जो विक्टिम होगा हम उसके साथ खड़े रहेंगे, जो शोषित वंचित है उसके साथ खड़े रहेंगे, और जो खबरें छुपाई जाएगी वो हम दिखाएंगे। केशव प्रसाद मौर्य का ये वीडियो कोई नहीं दिखाएगा, मैं दिखा रहा हूं। स्वाय प्रसाद मौर्य का तो तमाम जो बड़े अपडेट है वो देता रहे, मैं आपको दे रहा हूं। और टेलीविजन अखबार जो है वो बीजेपी के साथ है, वो उसमें टेलीविजन अखबार अगर आप देख रहे हैं तो उसमें ना बीएसपी के लिए जगह है, ना सपा के लिए जगह है, ना एएसपी आजाद समाज पार्टी के लिए जगह है, ना 52 मिश्राम और ओबीसी के लिए जगह है, लेकिन नेशनल दस्तक पर इन सब के लिए जगह। आप जिस भी पार्टी के समर्थक है मुझे मतलब नहीं है, आपको नेशनल दस्तक पर सबका कंटेंट मिलेगा, जितनी मेरी क्षमता है, जितनी मेरी पहुंच है। जल्दी मैं कोशिश करूंगा, चाहे 52 मिश्राम हो, वैसी साहब हो, राजभर हो, अखिलेश जी हो, मायावती जी हो, सारी पार्टियों का लगातार हम इंटरव्यू दिखाएंगे। मैं फिर कह रहा हूं, जनता को तय करना है। एक बात मैं जरूर कहूंगा एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों को, सवर्णों की दर्जनों पार्टी चुनाव लड़ेगी, लेकिन वो वोट कहां देगी आप जान लीजिए। उसी तरह से बहुजनों को भी सोच समझकर अपना वोट देना चाहिए, किसको देंगे ये आप तय कीजिए, लेकिन आपकी एकजुटता में ही आपकी ताकत है। तो आज की कुछ बड़ी खबरें थी, अब 31 जनवरी तक अभी रैली नहीं हुआ। क्या लग रहा है आप लोगों को, एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं, क्या चुनावी रैली इसलिए रद्द कर दी गई है क्योंकि बीजेपी की रैलियों में भीड़ नहीं जुट रही थी? स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद जिस तरह से वो निकले हैं, केशव प्रसाद मौर्य के साथ जिस तरह से आज हुआ है, और कई रैलियां उसकी रद्द हो गई थी, इससे तो साफ लगता है। मुझे लगता है कि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के नेता, बहुत बड़ा सवाल है, कहते हैं कि लोग एकजुट नहीं हो पाते हैं, तो जनता एकजुट हो जाओ, कोई एक तय कर लो। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।